नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। ईदगाह है, ईदगाहों में इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। अपने घर के मस्जिदों में, खरीफ की मस्जिदों में नमाज पढ़िए, मगर नमाज चूंकि तादाद ज्यादा होने की वजह से आप डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। दो बार हो सकता है, अगर सुबह 7 बजे या 8 बजे 9 बजे जैसा भी, 2-3 बार भी हो सकता है। अलहदा अलहदा जमातें बनाते ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, हमारे उलमाओं से भी गुजारिश करता हूँ, और हमारे असद भाई से भी मेरी बात हो चुकी है, वो भी इसी पर राजी है कि इस मरतबा COVID-19 की वजह से लोग अगर घरों में नमाज पढ़ें और अपने लोकल मस्जिदों में एक बार दो बार में नमाज पढ़ लेंगे तो बेहतर। तो मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस COVID-19 को ख़त्म करने के लिए सिर्फ आपके हाथ में है कोविड, ये कोरोना आपके हाथ में, आप जितना एहतियात करेंगे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि कोरोना को जितना जल्द, क्योंकि इससे इकानमी हमारी भी ख़त्म हो रही है, हुकूमत की भी इकानमी ख़त्म हो जा रही है, हुकूमत के पास भी कोई टैक्सेस नहीं आ रहे, किस तरह अरेंजमेंट कर सकेंगे। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश है, जितना हो सके इसका एहतियात कीजिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और कोरोना को रोकने के लिए जो बताए जा रहे हैं इकदाम उससे लेते हुए कोरोना से एहतियात बचने के लिए जो एहतियात ज़रूरी है वो एहतियात करें, यही मेरी आपसे गुजारिश है।